डियर स्टूडेंट, बेस टेक्निकल एकेडमी का ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार और आज के क्लास में हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डिजिटल मल्टीमीटर मतलब क्या है? मल्टी मतलब बहुत सारा, मीटर मतलब बहुत सारा चीज़ को मेजर करने वाला। जैसे वैसे मीटर जिसमें जैसे करेंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, फ्रिक्वेंसी सारा चीज़ एक ही मीटर से मेजर करेंगे उसको बोलेंगे मल्टीमीटर। और डिजिटल वर्ड लग गया, डिजिटल वर्ड लग गया, इसका यह मतलब हुआ कि इसमें एक डिस्प्ले होगा, LED होगा या LCD होगा, LED या LCD होगा, जिसपे कि हमारा डिजिट के फॉर्म में डिस्प्ले होगा कितना ओम का रेजिस्टेंस है या 2 ओम का करेंट, 2 एम्पियर का करेंट है, 3 वोल्ट का वोल्टेज है। इस तरह से एक डिजिटल डिस्प्ले होगा, ठीक है। यानी कि डिजिटल मल्टीमीटर एक ऐसा टेस्ट इक्विपमेंट है, टेस्ट यूज फॉर, जो इसका मदद से हम लोग रेजिस्टेंस, करंट, अदर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर एज पर रिक्वायरमेंट, वोल्टेज वगैरह या फिर फ्रिक्वेंसी वगैरह मेजर कर सकते हैं और इसको डिस्प्ले करेंगे मैथमेटिकल डिजिट के फॉर्म में। कहाँ पर भाई? तो LED के फॉर्म में या LCD के फॉर्म में रीड आउट होगा, जहाँ पर हम लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। और डिजिटल मल्टीमीटर इज मोस्ट एडवांस इंस्ट्रूमेंट दैट मेक यूज ऑफ मॉडर्न इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। यानी कि ये मोस्ट एडवांस हो गया है, पहले नहीं था डिजिटल मल्टीमीटर, पहले था केवल और केवल एनालॉग मल्टीमीटर था, ठीक है। लेकिन अब क्या आ गया? डिजिटल मल्टीमीटर, जो कि एडवांस वर्सन है उसका। इसमें LED वगैरह होता है और इसमें कम एनर्जी की खपत होता है, जबकि आपका एनालॉग मल्टीमीटर में ज़्यादा एनर्जी का खपत होता है, जबकि डिजिटल एनर्जी मीटर में कम इसका खर्चा खपत होता है, ठीक है। डिजिटल मल्टीमीटर यूज दैट मेनी टाइप्स ऑफ मीटर्स लाइक ओम मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, इस सब के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक ही मीटर है, जैसे कि इसमें अगर हम स्विच कनेक्टेड रहेंगे S1 S2, तो ये डिजिटल वोल्ट मीटर वोल्टेज रीड करेगा, यहाँ सप्लाई देंगे तो यहाँ पर कहीं एक LED वगैरह लगा होगा, जहाँ पर यहाँ पर क्या मान लिया कि यहाँ पर LCD लगा हुआ है, ये LCD है मान लिया जाए, तो LCD पर क्या यहाँ पर दिखेगा? DBM, ये हमारा वोल्ट मीटर दिखेगा। ये अगर इस स्विच को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या करंट का रीडिंग दिखेगा। अगर इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे वो टर्मिनल पर क्या होगा? ओम मीटर जैसा रेजिस्टेंस मेजर होगा। यानी कि एक ही मीटर से हम लोग बहुत सारा चीज़ को मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। मल्टी मतलब होता है बहुत सारा। तो वैसा मीटर जिसके मदद से हम लोग वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस सारे चीज़ को अगर हम मेजर कर पाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीमीटर बोलेंगे। तो मल्टीमीटर एक आधुनिक टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है, जिसके मदद से एक ही मीटर में बहुत सारे चीज़ को मेजर कर पाएंगे। लेकिन हम लोग पावर मेजरमेंट हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आया? नेक्स्ट, ए डिजिटल मीटर का फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन है। ए डिजिटल मल्टीमीटर जो है छोटा होता है, लाइट इन वेट होता है, बहुत भारी नहीं होता है, ठीक है। कैपेबल ऑफ गिविंग मोर एक्यूरेट रीडिंग, डिजिटल में ज़्यादा रीडिंग होता है। क्यों? क्योंकि जो भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है उसमें एनर्जी का कन्वर्सन्स नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इनपुट आउटपुट में भी क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होगा, तो उसमें एनर्जी का कन्वर्सन्स नहीं होता, तो उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। जैसे कि एनालॉग मीटर में जिसमें स्केल और पॉइंटर होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है फोर्स में, फोर्स के कारण से घूमता है, तो एनर्जी कन्वर्सन्स में कुछ लॉस हो जाता है और कम फोर्स लगेगा तो हो सकता है घूमे भी नहीं, तो सब इरर्स की संभावना रहता है एनालॉग मीटर में। लेकिन एनालॉग जिसमें पॉइंटर स्केल लगा रहता है और करंट पर वर्क करता है, डिजिटल हो जिसमें LCD वगैरह जिसमें प्रिंट होता है वोल्टेज पर वर्क करता है, ठीक है। और इट मेजर लॉट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइक वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, फ्रिक्वेंसी एक्सेट्रा को मेजर कर सकता है और ये लेस कॉस्टली होता है, ठीक है। बात समझे? ये वर्क कैसे करता है? यही हमारा टर्मिनल को क्या करेंगे? चेंज करेंगे और डिटेल में हम लोग देखते हैं। इसको नोट कीजिए, तब तक डू फास्ट। अब इसका हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। किसका सर? डिजिटल मल्टीमीटर का। तो मल्टीमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल देखो, इसमें डिस्प्ले है, डिजिटल कंट्रोलर है, अनलॉक टू डिजिटल कन्वर्टर है, इनपुट सिग्नल कंडीशनल एंड कन्वर्टर है। इनपुट सिग्नल यहाँ से पुश बटन इनपुट है, ठीक है। और यहाँ कुछ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डिजिटल कंट्रोलर को देंगे और यहाँ से डिजिटल आउटपुट एक्सटर्नल सोर्स के लिए है। यहाँ पर जो भी बात होगा वो डिस्प्ले होगा, जो पिछले डायग्राम में हम लोग दिखाए थे। तो AC और DC वोल्टेज को मेजर कर सकता है, करंट को मेजर कर सकता है, रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है, टेम्परेचर और एनी अदर पैरामीटर इज कन्वर्टेड टू DC वोल्टेज।
कोई भी को भी हम लोग डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर देन कन्वर्ट द प्री स्केल डीसी वोल्टेज इनटू इट्स इक्विवेलेंट डिजिटल नंबर विच विल बी डिस्प्ले ऑन डिजिटल यूनिट। कहने का मतलब है जो भी हम इनपुट डीसी दिए तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करेगा कि जो भी फिक्स डीसी वोल्टेज है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके डिजिट में कन्वर्ट करेगा और हमारा डिजिटल यूनिट को देगा, ठीक है। और यहाँ से डिजिटल कंट्रोलर ब्लॉक क्या करता है, समटाइम्स इम्प्लीमेंटेड विथ माइक्रो प्रोसेसर, ये समटाइम्स माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा इम्प्लीमेंट होता है, जो कि मैनेज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द इंस्ट्रूमेंट, जो कि इंस्ट्रूमेंट के विद इन द इंफॉर्मेशन को क्या करता है, मैनेज करता है। दिस ब्लॉक विल कोऑर्डिनेट द ऑल द इंटरनल फंक्शंस एज वेल एज ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल डिवाइस सच एज प्रिंटर, पर्सनल कंप्यूटर। यानी कि कहने का मतलब यहाँ माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर ये भी कम्युनिकेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, जैसे प्रिंटर से कोई चीज़ कनेक्टेड होगा, मल्टीमीटर को प्रिंटर से कनेक्ट कर देंगे, मान लीजिए 2 वोल्ट आ रहा था, 2 वोल्ट आप देख पा रहे हैं, उसको चाहते हैं कि डिस्प्ले करना, तो डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा या प्रिंटर से कनेक्टेड होगा तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं उसका। तो ये सब किसका काम होगा बताइए, माइक्रो प्रोसेसर का। इस तरह से डिजिटल वर्क करता है, ठीक है। यानी कि डिजिटल में जब भी होगा तो डिजिटल में आपका एक चीज़ आपका फिक्स है कि आपका वहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर वर्ड आएगा। क्यों माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर आएगा, क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग होगा, प्रोग्रामिंग होगा तो उसको रहना जरूरी है और रहेगा ही रहेगा माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। इस तरीके से आपका वर्क करता है। तो डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में आएगा तो इतना सारा बातों को आप क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा, फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा, क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रन देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।